अस्सलाम वालेकुम टेक्नोलॉजिस्ट, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। क्लियर, साफ क्लियर कंसेप्ट है, आपको क्लियरली पता चलेगा कि हाँ यार बिल्कुल एग्जैक्टली यही तरीका है सब्सक्राइबर बनाने का। बल्कि मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसका तरीका क्या होता है। देखें, लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज आपको पहले समझ में आनी। आपके जो व्यूवर्स हैं उनको आपने अपना रिटर्निंग व्यूवर्स कैसे बनाना है और वो आपकी वीडियो को सब्सक्राइब, अपने चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसके पीछे जो माइंडसेट होता है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जो माइंडसेट दरकार होता है वो क्या होता है। देखें, अगर आपके व्यूवर को ये यकीन हो जाए कि ये वाला जो मखसूस चैनल है ये मेरे ही काम का है और उसके ऊपर मेरे ही काम की वीडियो आती है, वो व्यूवर आपका चैनल सब्सक्राइब करेगा। यही एक चीज है, ठीक है। आपकी भी यही ज़हनियत है, हर बंदे की यही ज़हनियत होती है कि जब एक बंदे को यकीन हो जाता है कि यार ये वाला जो चैनल है ये मखसूस चैनल मेरे ही काम का है, मेरे ही हवाले से मेरे ही हिसाब की वीडियो बनाता है, तो फिर वो चैनल आपका लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करता है। अब उसको यकीन कैसे दिलाना है, उसको उस चीज का कैसे हमने कंफर्म करना है कि हाँ यार ये हमारा जो चैनल है वो आप ही के हिसाब की वीडियो बनाता है, ये कैसे करना है, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। और बकायदा तौर पर आपने करना भी यही है कि जो आपके व्यूअर्स देखना चाह रहे हैं आपने एग्जैक्टली वीडियो ही वो बनानी है, ठीक है। वो कैसे बनानी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ करके बकायदा लाइव, ठीक है। कि आपको पता चल जाएगा कि आपके व्यूअर्स क्या देखना चाह रहे हैं, जब आप उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे जो आपके व्यूअर्स हैं वो उसको दोबारा देखेंगे तो आपका सब्सक्राइबर बन जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मिलकर ग्रो करते रहे। तो उसके लिए आपने सिंपली सबसे पहले जाना है यूट्यूब चैनल के ऊपर। YouTube चैनल में जाने के बाद आपने चले जाना अपने YouTube स्टूडियो में, ठीक है। स्टूडियो में जाने के बाद आपने यहाँ पर चले जाना है, यहाँ पर मौजूद होगा एनालिटिक्स में, ठीक है। और एनालिटिक्स में जाने के बाद आपने चले जाना है यहाँ पर लास्ट पे ऑप्शन होगा, ये ऊपर आपको चार पांच टैब्स शो हो रही है, ओवरव्यू, कंटेंट, ऑडियंस, रेवेन्यू और रिसर्च का। आपने चले जाना है रिसर्च में, लास्ट टैब रिसर्च में चले जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पर चले जाना है। मैं यहाँ पर फिर बता दूं कि जब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो व्यूवर्स है जिसने आपकी वीडियो एक बार देखी वो अब दोबारा कौन सी वीडियो सर्च कर रहा है, देखना चाह रहा है, ठीक है। अगर आपको वो पता चल जाता है तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, आपके सब्सक्राइबर बड़ी तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका आपकी एक वीडियो जिसने देखी, ठीक है, अभी तक उसने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, आप दोबारा उसको वो वीडियो वो दिखाओगे जो वो देखना चाहता है, फिर वो दोबारा आपकी वीडियो देखेगा, आप तीसरी बार फिर वही वीडियो बनाएगी जो वो देखना चाहता है, तो उसको पता चल जाएगा कि यार ये जो चैनल है ये मेरे काम का है, ये बार बार वही वीडियो इसके ऊपर आती हैं जो मुझे चाहिए होती हैं, जो मैं देखता हूं, जो मेरे काम की हैं, ठीक है। फिर वो आपका सब्सक्राइबर बनता है, यानी कि जो रिटर्निंग व्यूवर्स होते हैं आपके वो आपके सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट होते हैं बहुत तेजी से। जितनी ज्यादा आप रिटर्निंग व्यूवर्स को अपना रिटर्निंग व्यूवर्स से आपकी आएगी, ऑडियंस आएगी, वो आपके सब्सक्राइबर बनते चले जाते हैं, ठीक है, मुसलसल, क्योंकि उनको एक अपने काम का जो कंटेंट है वो आपके चैनल से मिल रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बता दूं ऐड करते हुए इस फाइनल आपको दिखाने से पहले, कि जो सब्सक्राइबर आने होते हैं वो हमेशा व्यूज से आने होते हैं, यानी कि यहाँ पर तो मैं आपको रिटर्निंग व्यूवर्स का बता रहा हूँ ना, अब नए व्यूवर्स भी आएंगे। पहला अब सबसे ये भी तो सवाल आता है ना कि भाई कोई बंदा पहली बार वीडियो कैसे देखे, तो ये भी एक सवाल है, ठीक है। तो व्यूज कैसे आने हैं, व्यूज कैसे आने के ऊपर मैं आगे पूरी सीरियल तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। किस तरह से व्यूज आते हैं, टोटल कितने तरीके हैं व्यूज आने, और हर तरीके के ऊपर काम करके हमने कैसे उन तमाम तरीकों से व्यूज हासिल करने हैं, व्यूज ग्रैब करने हैं, किस तरह से लोगों को हमने अपने चैनल के साथ जोड़ना है। तो अगर आप उस सीरीज को देखना चाह रहे हैं और अपने चैनल को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी तौर पे अभी से और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ठीक है, ताकि आपको जैसे ही मेरी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद आपने आपके पास ये तीन टैब फिर शो होती है, सर्चेज अक्रॉस यूट्यूब, योर व्यूअर्स सर्च और सेव योर व्यूअर्स सर्च। ये क्लियर लिखा हुआ योर व्यूअर्स सर्च कि आपके व्यूअर्स जो बंदा आपकी वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने आपकी वीडियो पहले देखी है उनकी सर्चेज क्या है, वो क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वो उसने सारे बता दिए हैं कि यार ये वो कीवर्ड हैं जो आपके जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे जो मेरी वीडियो देखने वाले हैं उन्होंने सर्च की हुई है, ठीक है। अब जैसे मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर काम किया सबसे ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर अभी सबसे ज्यादा मुझे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो उन चीजों को सर्च कर रहे हैं, तो उसने मुझे यूट्यूब ने खुद बता दिया कि ये देखें जी इसके ऊपर ये सर्च किया, मेरे जो वीडियो देखने वाले उन्होंने ये भी सर्च किया, ये भी सर्च किया, ये भी सर्च किया, और इसका सर्च वॉल्यूम हाई है, ये देखें सर्च वॉल्यूम इसका हाई आ रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इनको सर्च कर रहे हैं, ये कम लोग सर्च नहीं कर रहे, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इन चीजों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ये देखें ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर, ग्राफिक डिजाइनिंग फुल कोर्स मैं अगर करता हूँ, वीडियो एडिटिंग का बनाता हूँ, हाउ टू मेक लोगों के ऊपर बनाता हूँ, ठीक है, तो इन कीवर्ड्स के ऊपर मुझे जो है वो
ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी वीडियो एक बार देखी हुई है वो बजीद इन चीजों को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और जब एक बंदा जिसने पहले मेरी वीडियो देखी उसको दोबारा से वही वीडियो काम की मेरे ही चैनल से मिलेगी, तो डेफिनेटली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, यानी कि उसको पता चल जाएगा यार पहले भी मैंने इस चैनल की वीडियो देखी है और दोबारा फिर मुझे इसी चैनल से काम की वीडियोस मिल रही हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि यार मेरे काम का चैनल कौन सा है। जब आप किसी को यकीन दिला देते हैं कि भाई आपके काम का चैनल ये है, तो वो चैनल आपका सब्सक्राइबर बन जाता है, दैट्स ऑल, ठीक है, ये टोटल बात है। तो ये थी वो चीज जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कि भाई इसको लाजमी अच्छे तरीके से आपने समझना है, आपने जाना है इस तरह स्टूडियो में, एनालिटिक्स में जाना है, जाकर रिसर्च में से जाना है और अपने व्यूवर्स को चेक करना है कि आपके जो व्यूवर्स हैं वो किस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप उस टॉपिक के ऊपर वीडियोज बनाएंगे, आपके व्यूवर्स को बार बार उनके काम की चीज मिलेगी, उनको पता चल जाएगा कि यार ये चैनल हमारे काम का है और वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाएंगे, ठीक है। आपके रिटर्निंग व्यूज जो होंगे वो तेजी से आपके सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये तरीका पसंद आया, अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आया जो मैंने आपको बताया है, तो लाजमी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये तो सिर्फ रिटर्निंग व्यूज का है। आगे मैं एक पूरी सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें नए व्यूज व्यूअर्स को कैसे लेके आना है, कैसे ग्रैब करना है, वो भी पूरे का पूरा तरीका पूरी सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे इंशाल्लाह आपका चैनल तेजी से ग्रो करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।